बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ फ्रिक्वेंसी 360 में आप सबको खुश आमदीद। वैसे तो मैंने आपको अब तक अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है कि मैंने इसका नाम लाइफ फ्रिक्वेंसी 360 क्यों रखा, और क्योंकि शुरू में जब आप वीडियोज़ देखेंगे मेरे चैनल पर तो बहुत अजीब आपको फील होगा कि कभी किसी टॉपिक पर करो, कभी किसी टॉपिक पर। लेकिन आप अगर गौर से सोचें तो ये जो लाइफ फ्रिक्वेंसी 360 है, 360 का एक ख़ास मतलब है। लेकिन अभी मैं इंटरव्यू पर आपको कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी, इस पर किसी और दिन बात करूंगी जब सोचूंगी कि हाँ मैं आज बात कर सकती हूँ, मेरे पास इनफ डेटा है। एनी हाउ, कभी कभी इंसान को किसी से बात करने के लिए लफ्ज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं। सो टू द पॉइंट आते हैं टॉपिक पे। आपको सामने नज़र आ रहा होगा लॉकडाउन डिप्रेशन और लॉक फ्री डिप्रेशन, और इस लॉकडाउन के वक्त में अपने डिप्रेशन को लॉकडाउन करें और लॉक फ्री करें। और कुछ टिप्स मेरे जहन में थी, बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन और एक मेरे जहन में और आ गई है पहले वाले को ही देखते ही, क्योंकि मैं ये तो सिर्फ दो तीन मेरे ख्याल है 30 सेकंड्स में मैंने ये लिखा है, और विदाउट थिंकिंग और विदाउट गैदरिंग एनी डेटा। सो फिर भी, लेकिन क्योंकि मैं इस पर ऑब्जर्व करती रहती हूँ अपने माहौल को और सोचती रहती हूँ, इसलिए मुझे अलग से बैठ के डाटा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनी हाउ, सबसे पहले आप डिप्रेशन अगर हो रहा है आपको, और मतलब परेशानी हो रही है, दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा, दिल उचाट हो रहा है, इस तरह के वर्ड्स इंसान यूज़ करता है। ग्रो ग्रीन जो है, ये सिर्फ मैंने वर्ड्स लिखे हैं। ग्रो ग्रीन का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ग्रीन पौधा, पत्ता, दरख्त, क्यारी, गमला, कोई पॉट, कोई चीज़ है, किचन में है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट ग्रीनरी के पास बैठें और फुल ब्रीथिंग लें और सुकून की ब्रीथिंग लें। सुकून के साथ आप सांस लें और गहरी सांस लें। सांस लेना भी नहीं आता हमें, सोना भी नहीं आता है वगैरह वगैरह। एनी हाउ, इसी टॉपिक पर रहते हैं। ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा कि एक दरख्त, एक पौधा ज़रूर लगाएं। दरख्त तो नहीं लगाया जा सकता, पौधा लगाया जा सकता है और वो दरख्त बन सकता है। सो कोशिश करें, जहाँ भी हैं दरख्त ऑलरेडी ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन आपने इस कायनात पर जिसमें आप रह रहे हैं और ये कायनात आपके साथ अच्छा ही कर रही है, कुछ बुरा नहीं कर रही, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओजोन लेयर हो गया, वक्त पर सूरज का निकलना, चाँद का आना, रोशनी होना, अंधेरा होना, सर्दी गर्मी बहार खजा, हर चीज़ आपको दिखा रही है। ये कायनात जो है आपके साथ इज़ ऑलवेज गुड। वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सो कायनात इज़ ऑल इज़ वेल विद यू, बट यू आर नॉट ऑल इज़ वेल विद द कायनात। सो क्या करेंगे, अपने इको सिस्टम पर यानी इकोलॉजी पर, अपने इर्द गिर्द के सिस्टम पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे। इंसान ने हमेशा फसाद किया है और कुछ अच्छा नहीं किया। सो अच्छा करने की कोशिश क्या हो सकती है कि इस ग्रीनरी में, इस ऑक्सीजन के पूरे एक एक जो एक मंबा है ऑक्सीजन का, पूरे कायनात में जितना है या पूरी दुनिया में जितना है, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप अपने हिस्से का काम करेंगे और अपने इस कायनात पे एक एहसान करेंगे कि आप, खैर एहसान तो नहीं होगा, किसी का अगर चादर खींच कर उसको थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए लोगों के सामने, और या फिर किसी का हक मारकर, वो तो बहुत हार्ड एग्जांपल होगी, या किसी का हक मारकर पैसों का, जायदाद का, उसके बाद थोड़ा सा उसको हिस्सा दे दिया जाए लोगों के सामने, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो एक ग्रीन पौधा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पॉजिटिव रेजेस आपके अंदर पैदा होंगी और इर्द गिर्द के वालों लोगों को भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन होगी और आपकी थोड़ी सी बिलोंगिंग्स यानी ताल्लुक उससे बढ़ेगा, एक चीज़ से, कायनात की एक अच्छी चीज़ से, यानी पौधे से, ग्रीनरी से, ऑक्सीजन से, एक अच्छी चीज़ जो ऑक्सीजन बढ़ा रही है, घटा नहीं रही। सो पौधों के पास अगर पौधे हैं आसपास, तो उनके पास जाके ज़रूर बैठें 5 मिनट 10 मिनट, और गहरी सांस लें, 8 सांसें लें, और अल्लाह का नाम या दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जो भी आपका रब है, गॉड, जीसस, भगवान, जो भी है, उसके सामने आप पढ़ते रहें, जो भी आपने पढ़ना है, याद करना है, सुकून करें। दूसरा ये है कि डू समथिंग फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट। लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, हम क्या करें, हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, बट वो एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, वरना आप थक जाएंगे और आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी है, और मैंने ये होने नहीं देना। सो ना अपने वक्त ज़ाया करना है अपना, और ना अपने आप को थकाना है। तो क्या करना है, थकते कब नहीं है, जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको शौक हो, लेकिन शौक हो और थकेंगे नहीं लेकिन टाइम ज़ाया हो जाएगा तो भी गलत बात है। तो कोई ऐसी, ये जो मैंने लिखा है, विच फॉलो द क्रिएटिविटी, लाइक नो पतंगबाजी। पतंगबाजी जो है वो पाकिस्तानियों ने शुरू कर दी, और मैं नोट कर रही हूँ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ है और लड़कों ने खासतौर से पतंगबाजी करनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज़ उनके पास ये होगा कि नेट पर भैयाई देखने से बेहतर है, और क्या कहते हैं, गेम्स खेलने से बेहतर है, भाई हम तो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें
देखिए, एक फॉर्म थी पुराने, मैंने कुछ वाक्यात सुने हैं इस पे यूट्यूब और गूगल पे इस्लाम के हवाले से। शुरू में कोई कोई फॉर्म थी, मुझे पूरा डाटा याद नहीं है, बस सिर्फ मुझे मैसेज याद है जो मैंने देना है कि कबूतरबाजी करते थे और उस पे उसको मना भी किया गया, उसके बाद फिर अजाब भी आया। कबूतरबाजी जो है एक फालतू शौक था, एक ऐसा गेम, एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें आपका वक्त का ज़्याया ही ज़्याया था, और यानी आपका वक्त ज़्याया होना था। तो ऐसी एक्टिविटी को कभी फॉलो ना करें। असल में हमारे पास मालूमात कम है, हमें ये नहीं मालूम कि हमने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिससे वक्त ज़्याया हो रहा हो। जिससे आप कुछ सीख रहे हो, बेशक यूट्यूब पे आप ये सीख लें, आपको अजीब लगेगा जो मैं कहने वाली हूँ, फीमेल्स हैं, अजीब लगेगा कहने वाली हूँ कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो आप कैसे ठीक करनी है, मोटर बाइक अगर ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करनी है। इल्म है ना, एक चीज़ है ना। और थोड़ा सा कुरान को जान लें, जैसे आपको मूवीज़ का और गानों का पता होता है और पहचान लेते हैं, तो वो तो टाइम ज़ाया होगा क़यामत के दिन, लेकिन ये जो कुरान पाक पे लगाएंगे टाइम, वो आपका ज़ाया नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। यानी कि कितनी सूरतें हैं, उस सूरतों के मीनिंग क्या हैं, और उसकी पहली आखिरी आयत क्या है, सिर्फ तर्जुमा पढ़ लें, देख लें। मतलब ये एक्टिविटी बता रही हूँ। अच्छा, ये एक्टिविटी अगर नहीं दिल कर रहा हो, नहीं बंदा थोड़ा बेजार हो होता है, ज़बरदस्ती जो है वो अल्लाह के पास नहीं आ जाता, दुआ भी है इंसान अपनी हिदायत के लिए करता रहे कि या अल्लाह मैं तो बेजार बेजार रहूँगा दुनिया में, तू नहीं मुझे अपनी तरफ खींचना है, मैं तो लापरवाह हूँ और लाइल हूँ। अच्छा, एनी हाउ, गेम प्लेइंग नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी मैं आपको बताती हूँ, लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम यूट्यूब और गूगल, ट्रेनिंग्स देख लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, वीडियोस, एडिटिंग सीख लें, मतलब एक नई चीज़ है, आपका कोई काम नहीं है, बट एक लर्निंग तो हो रही है ना आपकी, टाइम तो ज़ाया नहीं हो रहा ना। अच्छा, फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, फाइंड हाउ यू विल फाइंड द हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स अराउंड यू। किसी का कोई काम करा दे, ठीक है, किसी कोई जा रहा हो, उसका वजन हो तो उस वजन लेके भागिएगा नहीं, उसकी मदद कीजिएगा, और क्योंकि दो कॉम जो है वो दो नंबरी में और फ्रॉड वगैरह में ज़्यादा तेज़ है, शॉर्टकट में ज़्यादा तेज़ है। मदद कर दीजिएगा किसी से, कोई चीज़ गिर गई हो तो उठा के उसको, मतलब उसकी मदद कर दीजिएगा। और कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, रास्ते में कचरा पड़ा हो तो साइड पे कर दीजिएगा या उठा लीजिएगा, डस्टबिन में डाल देना। किसी आप गार्डन में जाते हैं, वहाँ कचरा पड़ा उठा के आप साइड पे डाल दें, उसमें डाल दें डस्टबिन में। दीज आर द स्मॉल थिंग्स एंड गुड थिंग्स विच विल गिव यू हैप्पीनेस। अच्छा, फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, ये हो गया। बी गुड टू अदर्स, बी गुड टू अदर्स मीन्स ये है कि आपके आसपास बहुत सारी मनुष्यत होती है, सॉरी टू से, मनुष्यत मीन्स कि ऐसे लोग जो आपको जानबूझ के टीज कर रहे हो, तंग कर रहे हो, आपको हकीर जानना इज समथिंग बैड ना, कोई आपको हकीर जाने किसी चीज़ में, आपको जीरो समझे, आपको कमतर समझे और अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझे, या फिर बड़े अपने आप को समझे ना समझे लेकिन आपको कमतर समझे, क्योंकि आप खुद अल्लाह की बनाई हुई चीज़ हो, मखलूक हो, तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ तो कम कमतर हो ही नहीं सकती। सही है, चाहे आपकी हरकतें हो कोई भी हो, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ कमतर नहीं हो सकती। एनी हाउ, ये बेसिक और कुदरत का फॉर्मूला है। जो बी गुड टू अदर्स मीन्स ये है कि अगर अदर्स आर बैड विद यू, सो यू हैव टू गुड विद देम, और दिस गुड विल रिटर्न, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ योर गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस, वट एवर हु एवर ही इज, ये लौटेगा। आपका जो अच्छा अमल होता है वो आप तक लौटता है। कायनात जो है अपना अपने पर कर्ज नहीं रखती, कायनात मीन्स अल्लाह, अल्लाह अपने पर कर्ज नहीं रखता। हैव फेथ इन गुड, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फेथ इन गुड ये है कि कभी कभी हम अच्छा करते करते थक जाते हैं और आसपास जो शैतान जो है ना, मैं चिड़ा चिड़ा के बोल रहा होता है, और करो, अच्छा ये तो थे ही नहीं इस काबिल, मतलब नेकी करने से पहले किसी की शक्ल नहीं देखी जाती, ये ज़रा अपने जहन से निकाल लें, ठीक है। नेकी करने से पहले किसी की शक्ल नहीं देखी जाती। हाँ, भिखारियों को पैसे देते हुए आप अगर ढिटाई बढ़ा रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये प्रोफेशनलिज्म बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी मदद नहीं हुई, ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं उन सफेद कुछ लोगों के साथ जो अपने घर से नहीं निकल रहे और भूखे हैं, या अपनी ख्वाहिशात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या आप उस जटाई को बढ़ा रहे हो जो जैसे सूद है, आप बहुत उसको नापाक समझते हो, बुरा समझते हो, आप रिश्वत को बुरा समझते हो, आप धोखेबाजी को रिश्वत बुरा समझते हो, आप इसको भी बुरा समझो, आप प्रोफेशनलिज्म को भिखारी होना इस्लाम में अलाउ है ही नहीं। आप क्या समझ रहे हो, पुराने ज़माने में भिखारी नहीं होते थे, फकीर होते थे, फकीर जो देता था, लेता नहीं था, भिखारी लेता है। भिखारी होना और भिखारीज़म जो है, भिखारीगिरी जो है, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में, है ही नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हज़रत उमर वाला दौर अगर आपको याद हो तो उनके दौर में कोई भी मांगने वाला नहीं बचा था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सही हुई थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप सही जगह पे जाके ढूंढ के थोड़ी सी मेहनत करके
उस जगह पे जाके दे दें जहाँ आपको देनी चाहिए, जहाँ आपका दिल माने कि हाँ यहाँ मैं किसी मुआशरे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो ज़रूर ज़रूर करें। मतलब मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं करें, अच्छा करें। अच्छा, सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ताला ने एक सूरत एक आयत में इस तरह बताया हुआ है कि भाई ये जो दिल हजार बातें तुमसे कहते हैं इनको कहने दो, और मुझे मोहलत, मुझे कुछ देर की मोहलत दे दो, मैंने इनको थोड़ी ढील दी है वगैरह वगैरह इस तरह। तो इस तरह की बात ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो अपने पास मोबाइल में रखें भी, और उर्दू सेंटेंसेस भी और अरबी के साथ सेंटेंसेस भी रखें। अरबी देखने से आपको सवाब भी मिलेगा आँखों को, और आँखों का जो एक गजा है, हर एक की गजा है ना, पेट मेदे की गजा तो हम देते हैं उसको, लेकिन आँखों की गजा जो है वो कुरान पाक को देखना है। तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपको मेंटली जो है वो रिलैक्स भी करेंगे। तो हम सब ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे थे, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए। डिप्रेशन एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो वर्ड लाइक डिप्रेशन, बट ये अंग्रेज ने बनाया हुआ है। तो मायूसी आउट ऑफ द बुक ऑफ मुस्लिम, ऐसी बात है। और मायूसी के अलावा अगर हम, जैसे हम परेशान होना है इस्लाम में है, और परेशान होगा शायद बंदा आखिर तक परेशान रहे, कभी कोई मसला, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, अभी एक मसला खत्म नहीं हुआ दूसरा हो गया, परेशान शायद इंसान रहेगा, लेकिन परेशानियों से बचने की बहुत सारी दुआएं हैं। अगर आप कहेंगे तो वो मैं भी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बोलने वाली हूँ, यूट्यूब पे आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहीं आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, गफलत में ना पड़ जाएं। आप देखें जैसे कि किसी ने कोई इस्लाम के करीब आ गया, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो अजीब सा एक लवर लिखा है, या आज पता नहीं क्या है, ये गंदे वर्ड चाहिए, ये नहीं लिखने चाहिए, अल्लाह बंदे को तौफीक दे जिसने ये लिखा है। सो शुरू में ये लोग, या शुरू से पता नहीं जिसने लिखा है उसकी शायद उतना ज़्यादा हो जिस बंदे के कम हो।